आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का साइंस चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स देखो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं सकता ठीक है थीके? तो रेस्पिरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना एंड बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बॉडी से बाहर आना ही रेस्पिरेशन कहलाता है रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एयरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एयरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट हम पढ़ेंगे एयरोबिक रेस्पिरेशन देखो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में चली जाती है बॉडी के सभी पार्ट किससे मिलकर बने हैं सेल से मिलकर बने हैं ठीक है अब ध्यान से एक चीज सुनना कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज चला जाता है सेल में ठीक है अब रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन भी सेल में जा रही है और सेल में पहले से ग्लूकोज भी प्रेजेंट है अब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का सेल में होता क्या है ये देखो रेस्पिरेशन के टाइम पर ठीक है सेल में पहले से ग्लूकोज तो प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के टाइम पे अब जो ऑक्सीजन गई सेल के अंदर उसने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिब्रेट हुई इस प्रोसेस के अंदर सेकेंड है एनोरोबिक रेस्पिरेशन एनोरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एबसेंट होती है इस प्रोसेस में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेकडाउन हो रहा है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन में किसमें ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी यहाँ पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी है एनर्जी भी है लेकिन वाटर की जगह है एल्कोहल ठीक है ये डिफरेंस है एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन है वो यीस्ट में होता है मेनली ठीक है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एनोरोब्स देखो ह्यूमन की जो मसल सेल्स होती है ना उनमें भी एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन वो रेस्पिरेशन केवल शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है ठीक है अब ह्यूमन की मसल सेल्स में एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता क्यों है देखो जब कोई पर्सन हैवी एक्सरसाइज करता है उस टाइम पर उसकी मसल सेल्स में टेम्परली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से मसल सेल्स में एनोरॉबिक रेस्पिरेशन होता है ठीक है अब देखो जो यीस्ट में एनोरोबिक रेस्पिरेशन हुआ एंड जो मसल सेल्स में एनोरोबिक रेस्पिरेशन हुआ उन दोनों में डिफरेंस है उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यीस्ट में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ब्रेकडाउन हुआ था एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में ठीक है लेकिन मसल सेल्स में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो किस में हुआ लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में ये डिफरेंस है ह्यूमन की मसल सेल्स के एनोरोबिक रेस्पिरेशन एंड यीस्ट के एनोरोबिक रेस्पिरेशन में देखो अभी हमने पढ़ा कि जब कोई पर्सन हैवी एक्सरसाइज करता है उस टाइम पर उसकी मसल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में अब वो लैक्टिक एसिड करता क्या है मसल्स में अब हम ये पढ़ेंगे देखो लैक्टिक एसिड वो मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं आप देखोगे जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है वो इसीलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड आपकी सेल्स में एक्यूमुलेट हो गया है ठीक है अब इन क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए गर्म पानी में अगर नहाते हो आप या फिर कोई मसाज लेते हो तो आपको रिलीफ मिलता है ठीक है वो रिलीफ इसलिए मिलता है क्योंकि जो मसल्स की सेल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मसल सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है मिलनी ठीक है अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा मसल सेल्स में ऑक्सीजन क्या करेगा देखो मसल सेल्स में इलेक्टिक एसिड भी है अब ऑक्सीजन भी पहुंच गया है ठीक है ये इलेक्टिक एसिड को ऑक्सीजन ब्रेकडाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ठीक है लास्ट वाला स्टेप यही है ब्रेक ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेक्स्ट है ब्रीदिंग ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होती है इनहेलेशन एंड एक्सिलेशन इनहेलेशन में क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम अपने नोज के थ्रू अपने लंग्स में भेज देते हैं ठीक है थीके? इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन लेकिन एक्जलेशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अपने नोज के थ्रू बाहर कर देते हैं अपनी बॉडी से इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सलेशन ठीक है देखो एक बार सांस लेना प्लस एक बार सांस छोड़ना इसको बोलते हैं एक ब्रीद ठीक है हम बोलते हैं ना एक ब्रीद का मतलब ये है एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने को बोलते हैं एक ब्रीद और ये जो प्रोसेस है ना इनहेलेशन एंड ना एक्सलेशन की ये साइमल्टेनियसली होती रहती है नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीद देखो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नोस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी में पहुंच जाती है नेजल कैविटी से ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है ठीक है लंग्स हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर ठीक है चेस्ट कैविटी एंड रिप्स ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ठीक है अपनी चेस्ट पे हाथ लगाओ आप देखोगे कि आपको रिब्स फील होंगी ठीक है जो बोन्स आपको फील हो रही हैं वो रिब्स ही हैं ठीक है थीके? अब देखो जो चेस्ट कैविटी है यानी कि जो रिब्स है जस्ट रिब्स के नीचे और पेट के ऊपर थोड़ा सा वहां पर डायफ्रेगम प्रेजेंट होता है तो जो ब्रीदिंग होती है ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ठीक है उस टाइम पर डाएफ्रेगम एंड रिब केस दोनों की ही मूवमेंट होती है अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है अपनी चेस्ट पे हाथ लगाओ और एक लंबी सी सांस लो आप देखोगे कि जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं रिब्स ऊपर की तरफ मूव इसलिए करती हैं ताकि जो चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाए ठीक है हम सांस ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे लंग्स में एयर फिल होगी है ठीक है हमारे लंग्स फूल गए हैं गुब्बारे की तरह जिस जिसके लिए ठीक है क्योंकि लंग्स को भी स्पेस चाहिए ना हवा से फूल गए लंग्स तो इस वजह से चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो जाता है ठीक है ये होता है इनहेलेशन के टाइम पे यानी कि जब हम सांस लेते हैं नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है मतलब सांस छोड़ते वक्त क्या होता है देखो अगेन अपनी चेस्ट पे हाथ रखो एक लंबी सी सांस लो और सांस को धीरे धीरे छोड़ो थीके? अब आप देखोगे कि जो सांस लेते वक्त रिब्स ऊपर की तरफ गई थी अब सांस छोड़ते वक्त रिब्स अंदर की तरफ जा रही है बॉडी में ठीक है इसका मतलब क्या है कि सांस जब ली थी उस टाइम पर चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया था क्योंकि लंग्स हवा से भर गए थे अब क्या हो रहा है सांस छोड़ते वक्त क्या हो रहा है कि चेस्ट कैविटी का साइज़ रिड्यूज़ हो रहा है क्योंकि लंग्स में से एयर बाहर की तरफ मतलब बॉडी के बाहर की तरफ पुश हो रही है इसलिए चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूज़ हो गया है अब समझ में आया कि ड्यूरिंग इन्हलेशन एंड ड्यूरिंग एक्जलेशन क्या होता है देखो अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट लैंड काओ लीजर्ड बर्ड स्नेक्स इन सभी में भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है एंड ह्यूमन बींग्स की तरह इनमें भी लंग्स चेस्ट कैविटी में ही प्रेजेंट होता है अब हम इंसेक्ट्स की बात करें इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है देखो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स से बिल्कुल अलग होता है यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कॉकरोच का कॉकरोच भी तो इंसेक्ट ही है ना कॉकरोच की बॉडी पर दोनों तरफ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्पायरिकल्स बोलते हैं ठीक है थीके? और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ना इनमें एयर ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए जिनको ट्रैकिया बोलते हैं अब स्पायरिकल्स एंड ट्रैकिया का क्या रोल है रेस्पिरेशन में हम वो देखेंगे देखो जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो स्पाइरिकल्स के अंदर जाती है स्पायरिकल से ये एयर जाती है ट्रैकियल ट्यूब्स में ठीक है ट्रैकियल ट्यूब से और जो ये ऑक्सीजन रिच एयर है इसका डिफ्यूजन हो जाता है बॉडी टिश्यूज में ठीक है उसके बाद जो ऑक्सीजन है सभी बॉडी सेल्स में पहुंच जाती है अब देखो इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर चलेगी अब उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आएगी अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से वो ट्रैकल ट्यूब्स में जाती है ट्रैकल ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी स्पाइरकल से स्पाइरकल से बॉडी के बाहर चली जाती है ठीक है इस तरह से रेस्पिरेशन हुआ इंसेक्ट्स में अब हम पढ़ेंगे कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है अर्थवॉर्म को हिंदी में खींचुआ बोलते हैं और इसे गीली मिट्टी में रहना पसंद होता है अर्थवॉम में रेस्पिरेशन अर्थवॉम की स्किन के थ्रू ही होता है स्किन के थ्रू ही गैसेस यानी कि जो एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है एंड स्किन के थ्रू ही एयर बॉडी के बाहर आती है इसके बाद है फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है फ्रॉग में तीन टाइप से रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है थर्ड टाइप है कि फ्रॉग में बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है मतलब बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है नेक्स्ट है जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है वाटर के अंदर कौन रहता है फिश रहती है फिश में रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू ठीक है गिल्स के थ्रू इनमें कोई लंग्स नहीं होता कोई ट्रैकिया नहीं होता फिश में होती हैं गिल्स ठीक है अब देखो वाटर के अंदर क्या है डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है ठीक है जब वाटर गिल्स के अंदर जाता है ना तो उस टाइम पर जो डिज़ोल्ड ऑक्सीजन है ना वो गिल्स की ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है ठीक है और बॉडी के सभी पार्ट में वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है इस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है एक्वेटिक एनिमल्स में नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पर प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं अब प्लांट्स ने जो रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन का क्या रोल है प्लांट के अंदर ठीक है देखो जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है अब जो ऑक्सीजन ली है रेस्पिरेशन के टाइम पर वो भी पहुंच गई सेल के अंदर सेल में ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट था जो ये ऑक्सीजन है ये इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में नेक्स्ट है जो प्लांट्स की रूट है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है देखो यहाँ ये डायग्राम देखो ये प्लांट की रूट है ठीक है ये रूट हेयर है ये है सॉइल पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होते हैं वहाँ पर एयर भरी होती है ठीक है ये जो स्पेसिस होते हैं ना इन्हीं से ही जो रूट्स हैं वो एयर लेती हैं